हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। पहले इंडिगो का जिक्र कर रहा था जिसकी कल नंबर्स पे आए थे। कल नंबर्स के बाद आपको याद होगा क्लोजिंग में आपसे एक चीज़ कही थी मैंने, स्टॉक नीचे आया था बट कल की लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड थी, यानी प्राइस जो है वो नीचे की ट्रेजेक्टरी में टिकने को तैयार नहीं था। अब ये ऑलमोस्ट एज पे आ चुका है। विकास 4502 का मतलब ये है कि अब ये ऑलमोस्ट जून जुलाई सीरीज के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है 4500। स्क्रीन पे कोई ब्रेकआउट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस स्टॉक में? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखो लास्ट हमने लास्ट वीक में भी देखा था कि अच्छा मोमेंटम कैरी कर चुका था और वापस आज उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने मिल रहा है। लास्ट 1 से 4 वीक अगर नोट डाउन करोगे तो 4300 के आसपास बेस बना चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से एक वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। अपसाइड में जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रही है 4740 के आसपास की, और उसके बाद 4800 के आसपास एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल सकता है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम इस काउंटर में देखने मिलेगा। 45.1 कल का हाई जैसे ही ब्रेक होगा तो मुझे लगता है एक अपसाइड मोमेंटम जो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट तक एक आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन। इंटरग्लोब एविएशन पर पहले भी चर्चा हो रही थी, गौरांग ने भी इसको एक बाय कॉल के तौर पर रेकमेंड ज़रूर किया है। एक तो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर कुछ कुछ स्पेशली दिग्गजों में थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार टाइटन स्क्रीन पर लेकर आइए। अब ये पूरी तरह से 1% ऊपर नहीं आया है लेकिन 3441 के आसपास ट्रेड ज़रूर कर रहा है। आज का डे हाई आपकी स्क्रीन पर है और वो रफली है 3455 का। पालविया जी बताइए, टाइटन में किस लेवल के ऊपर ज्यादा कन्विक्शन के साथ तेजी की पोजीशंस ली जा सकती हैं? तो हर्षिता जी देखिए, टाइटन में जरूर एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला था, लेकिन हायर साइड पे जो इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है वो करीब 3500-3520 की रेंज में बना हुआ है। ये लेवल को क्रॉस करना काफी जरूरी है स्टॉक को फर्दर यहाँ से तेजी को एक्सटेंड करने के लिए। तो हमें लगता है 3520 का लेवल ये एक सप्लाई जोन है, जैसे ये सरपास होगा तो फिर इसमें 3650 तक की अपसाइड भी शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती। टाइम बीइंग के लिए हमें लगता है डाउन साइड में 3390 ये लेवल को भी ध्यान रखना चाहिए। ये लेवल अगर होल्ड आउट करता है तो देन स्टॉक में ग्रेजुअली एक रिकवरी बनेगी एंड देन वो पॉसिबली वो 3520 का जो सप्लाई जोन है उसको क्रॉस करने में कामयाब होगा। तो एट दिस मोमेंट 3390 के स्टॉप लॉस से जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है पोजीशन होल्ड रख सकते हैं। 3390 के स्टॉप लॉस के साथ आप वो पोजीशन होल्ड कर सकते हैं लेकिन 3500 पर बड़ा सारा सप्लाई है और ठीक उसी के बीचों बीच स्टॉक फंसा हुआ।